हाय करो। सबको स्वागत है फिर हमारे इस वीडियो में। और वो जो रिक्वेस्ट आया था, आज रिक्वेस्ट का नहीं बना पा रहे हैं, वो दो दिन हुआ है, थोड़ा बारिश हुआ था हमारे यहाँ पे, और थोड़ा बारिश हुआ है तो वो एक पत्ता होता है हमारे संबलपुरी भाषा में कुलेर साग बोलते हैं, उसको अभी लाने के लिए मैं और मोनिशा की माँ हम दोनों जाएंगे और बच्चे लोग घर पे रहेंगे। तो वो जो उसका पत्ता जो है वो पूरा जंगल के अंदर है, तो जंगल जाना पड़ेगा। और यहाँ पे तो हाथी वगैरह आते रहते हैं, रात को हाथी आते हैं जंगल के जानवर, इसीलिए बच्चे लोगों को नहीं ले रहे हैं। मैं और मेरे घर वाले मोनिशा की माँ हम दोनों खाली जाएंगे और बच्चे लोगों यहाँ पे रहेंगे। तो अभी हम निकलेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी प्लान कुछ बदल रहा है और हम दोनों नहीं जाएंगे उधर बैठे। आज कैसा हुआ मोनिशा जाने के लिए बोल रहा है और तू मत जा, हाथी वगैरह है जंगल में, ऐसा बोल रहा है तो वो रो रहा है जाने के लिए। अगर मोनिशा को हम साथ में लेंगे तो अगर जानवर आ गया तो हम दौड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए मोनिशा को रहने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो रो रहा है, इसीलिए उसकी माँ रहेगा, मैं अकेले जाऊंगा। अगर वो पत्ता मिला तो मैं लेके आऊंगा, नहीं तो और एक फल है हमारे संबलपुरी भाषा में चार बोलते हैं, उस चार को मैं लाऊंगा। उसके माँ के लिए मोनिशा रो रहा है तो इसीलिए उसके माँ नहीं जाएगा, वो रहेंगे, मैं अकेला जाऊंगा। तो ठीक है, तू रह जा, माँ के पास जा। तो मैं निकल रहा हूँ अभी, दे बेटा, इसमें पानी पकड़ा हूँ और टंग गया। और हमारे गांव को छोड़ के मैं अभी निकल गया हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ। और अभी 11 कितना टाइम होगा, हाँ अभी 11 बजेगा। वो साग जो होता है कुलेर साग, वो बहुत ही छोटा छोटा है और बड़ा बड़ा छोटा बड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा वाला मुझे नहीं मिला, और अभी ये मिला है मुझे, ये मैं लेके जाऊंगा। इसका पेड़ है ये, और ये ऊपर हुआ है छोटा छोटा सा, वो बहुत ही मीठा लगता है, तो वो हमारे बच्चे लोगों के लिए मैं अभी लेके जाऊंगा इसको। और अभी 12:30 हो रहा है टाइम, और यहाँ पे एक चीज हुआ है हमारे इस जंगल के नीचे में, ये आप देख सकते हैं, ये जंगल है और जंगल के अंदर ही में, और यहाँ पे हाथी वगैरह रोज आते हैं, रात को आते हैं और गांव में घुस जाते हैं और चावल को खा जाते हैं। तो इसीलिए हमारे जो गवर्नमेंट ने, जो कि फॉरेस्ट वालों ने, ये ड्रेन कूड़ा ड्रेन को बना दिए हैं, ये इसको रास्ते में आपको दिखाता हूँ, ये खुदवाए हैं, ये शायद आपको दिख रहा होगा ये गड्ढा, ताकि उधर का जानवर जो कि हमारे गांव की तरफ आते हैं वो नहीं आ सकेंगे, इसीलिए ये बीच में कर दिए हैं। और हाथी वगैरह भी आते हैं और लोगों को भी मारते हैं और घर में घुस के घर को भी तोड़ते हैं और धान राशन चावल सब खा जाते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ये जो फॉरेस्ट वालों ने ये खुदवा लिए हैं। और ये है, ये तो जंगल है, तो अभी वहाँ का पेड़ से वो छोटा छोटा वाला फल मुझे लेके जल्दी जाना पड़ेगा। अभी 12:30 बज रहा है, तो पानी के चक्कर में भालू वगैरह सब आते हैं यहाँ पे नीचे पानी पीने के लिए, इसीलिए थोड़ा खतरा है, इसीलिए मैं जल्दी उसको लेके मैं घर की ओर अभी जाऊंगा।
और इस पेड़ को मुझे चढ़ना पड़ेगा, और इस पेड़ में हुआ है वो छोटा छोटा वाला, जल्दी चढ़ना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, इसमें तो चढ़ूंगा अभी। और मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया हूँ, आप सब देख सकते हैं, और ये नीचे है, और मैं पेड़ के ऊपर चढ़ चुका हूँ। और वो पत्ता तो हमें नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, तो इसको ही लेंगे और बच्चे लोगों को खिलाएंगे। ये अभी हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको चार बोलते हैं हमारे यहाँ पे, और इसको खाते हैं, बहुत ही मीठा लगता है। और इसका बीज को, ये उसका बीज और इसका बीज को ऐसे फेंकते हैं, और आप शायद पहचान लेंगे, इसको चार बोलते हैं हमारी संबलपुरी भाषा में। उसका पत्ता कुछ ऐसा है, ऐसा दिखता है। तो अभी मैं ये गमछा में अभी मैं लूँगा इसमें, तो अभी मोबाइल को हम रखते हैं, नहीं तो नीचे गिरेगा पेड़ के ऊपर से तो ख़राब हो जाएगा, पत्थर में लग जाएगा, इसलिए मोबाइल को अभी हम रखते हैं। और मैं सब कुछ इकट्ठा करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी नीचे उतर के मैं जा रहा हूँ घर की ओर, और इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। ये जो ड्रेन जो बनाए हैं फॉरेस्ट लोगों, तो उसी रास्ते से ही मैं जाऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ, और थोड़ा सा लिया है, एक एक करके तोड़ना पड़ता है। अगर वो छोटा छोटा जो है वो थोड़ा कच्चा है अभी, और एक एक दो दो ऐसा ठीक हुआ था, तो उसको मैंने ले लिया है थोड़ा सा, बच्चे लोगों ने खाएंगे। और वो पत्ता तो मुझे नहीं मिला, और एक दिन अगर अच्छे से थोड़ा बारिश हो जाएगा तो पत्ता हो जाएगा। ये पूरा, ये जो पहाड़, ये जो जंगल जितना दूर तक है उतना दूर तक नीचे नीचे में ये ड्रेन बनाए हैं फॉरेस्ट लोगों, ताकि जानवर बाहर नहीं आ सकेंगे। वो जो हाथी वगैरह आते हैं वो घर में घुस जाते हैं और घर को तोड़ते हैं, इसीलिए ये बनाए हैं। हमारे गांव से मैं 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर आया हूँ। चल चल घर के, नहीं चल चल चल, हाँ घर के अंदर चल 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 घर के चल। तो मैं अभी पहुंच गया हूं घर में, और ये पसीना भी बहुत आ गया, धूप में से मैं आया। और वो चीज जो मैं लाया हूँ वो अभी बच्चे लोगों खाएंगे और आपको हम दिखाएंगे। अगर आप कभी खाए हो कि नहीं खाए हो जरूर कमेंट करना। तो अभी बच्चे लोगों खाएंगे, मोनिका तो वो उधर बाहर गया है खेलने के लिए, तो अभी मोनिशा, पवित्र और महिमा वो खाएंगे, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। नीच का मिया और नीचे में
हाय कर दे मनीषा, मनीषा हाय कर दे। तो ठीक है, वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। वीडियो आप सबको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।